हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके हैं सर्व समीकाएँ। सर्व समीकाएँ जो नाइन्थ क्लास हैं उसमें मोस्टली यूज होती है। वैसे एट्थ, नाइन्थ और टेंथ में काफ़ी ये सर्व समीकाएँ पूछी जाती है। फर्स्ट सर्व समीका आती है ए प्लस बी की स्केयर। क्या होता है? ए की स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्केयर, फर्स्ट समीका है। सेकेंड है ए माइनस बी। जब बीच में माइनस का निशान आ जाता है तो क्या होगा? ए की स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी की स्केयर। देखो ये फर्स्ट है, पहले ए की स्केयर करेंगे, फिर बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस टू इंटू ए इंटू बी और प्लस बी की स्केयर। इसी तरह माइनस है तो ए की स्केयर, यहाँ पे बीच में माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी की स्केयर। उसके बाद आता है ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर। ठीक है बच्चों, ए की स्केयर या तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। उसके बाद आता है ए की थ्री प्लस बी की थ्री की फॉर्मूला, यानी यहाँ पे स्केयर था, अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसके लिए होता है ए प्लस बी, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ए की स्केयर माइनस ए बी प्लस बी की स्केयर। देखो ए की थ्री प्लस बी की थ्री, तो ए प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है ना तो अंदर माइनस आएगा, लेकिन जैसे इसमें टू था इसमें टू नहीं आया। अगर यहाँ पे माइनस की बात करें अपने, तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस और अंदर इसका उल्टा निशान आ जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, अंदर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अंदर प्लस, अपोजिट निशान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ए प्लस बी की क्यूब। तो क्या हो जाता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी, और ए माइनस बी की क्यूब, यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों है निशान चेंज है, ये दोनों है निशान चेंज है, ये दोनों है निशान चेंज। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी की स्केयर। तो क्या हो जाएगा? ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस सी की स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये सारी सर्व समीकाएँ अपने यहाँ पे यूज हो जाती है। थैंक यू बच्चों।